नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप ये 2023 में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2023 आने वाला है। नवंबर तो आपका बीतेगा, दिसंबर के बाद आपका 2023 आएगा। तो आज हम शुरू से लेके अंत तक बताएंगे, जो आपको जानने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और आप एक सही मार्ग चुन पाओगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं पा चुके हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू से बता रहा हूं अंत तक। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले कार्ड लेने के लिए स्टार्टिंग क्या करोगे? आपको पता है आपका कुछ सिबिल स्कोर होना जरूरी है, पर आप शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत में तो कोई आपका सिबिल है नहीं, कोई लोन मिलेगा नहीं आपको, फिर आप क्या करोगे? आपको फाइनेंस करवाना है। फाइनेंस में क्या करवाना है आप जानते हो, मोबाइल फाइनेंस करवा लेना है, टीवी फाइनेंस करवा लेना है, फ्रिज करवा लेना है, कूलर करवा लेना है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट 10,000 के ऊपर का ही फाइनेंस करवाना है, ओनली 10,000 के ऊपर का। ऐसा नहीं कि लाख दो लाख करवा लीजिए, समझे ना, 10 से 15 के बीच में आपको एक सामान जरूर फाइनेंस करवा लेना है। जो उसकी किस्त होगी वो आपका 9 मंथ से लेके 12 मंथ करवाना है। आप अगर उसका किस्त का टाइमिंग बढ़ाओगे थोड़ा इंटरेस्ट उस पर ऐड होगा, बट आपका फायदा होगा। आप सोचिएगा थोड़ा से हिसाब लगा के, जब आपका ECS ऑटो डेबिट होगा बैंक से, तो आपका जो पैसा है, जो अमाउंट है, जो MI डेबिट होगा, तो आपका वो अपडेट और रिकॉर्ड में जाएगा। आपका डेटा धीरे 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 सिविल ब्यूरो में ट्रांसफर होगा, अपडेट किया जाएगा, तो आपकी जो सिविल है वो रैंक करना चालू करेगा, धीरे 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 रैंक करेगा। अब रैंक तो कर लिया आपका सिविल, अब आपका जो सिविल है अब चरम सीमा तक पहुंच गया, आपको यहाँ पे स्टाफ हो जाना है। कुछ नहीं करना है, किसी टाइप का बड़ा लोन क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस नहीं करना है। पहले आपके सिविल का जो स्कोर है, जो डेटा है, जो आपने MI पे किया, वो आपका बैंक के पास जो है गया, बैंक ने अपडेट किया सिविल ब्यूरो में, या किसी कंपनी से आपने लोन करवाया था मोबाइल फाइनेंस, तो जब सिविल ब्यूरो में आपका अपडेटिंग जाएगा तो आपको अपने हैंड से किसी टाइप का लोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई तब तक नहीं करना है जब तक आपके जो आपने फाइनेंस करवाया था उसका अमाउंट आपका एक या दो किस्त ना रह जाए, समझ रहे हो ना, उसकी किस्त जो है एक या दो रह जाए। होता क्या है कि एक या दो किस्त रहने से आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने एक बार सिविल का मेंबरशिप लेना है ऑफिशियल साइट से। मेंबरशिप में देखना है कि क्या क्या हमारे रिपोर्ट में आया है, कहीं पे ओवरड्यू तो नहीं है, हमारा सिविल किस कैटेगरी में है, कौन कौन ब्यूरो में हमारा अपडेट हुआ है, ये चेक कर लेना है। अगर आपका सब कुछ सही है, अगर 750 प्लस चला गया है और आपका एक्सपीरियंस अगर मान लो 780 या 800 प्लस के ऊपर गया है, तो फिर आपको कार्ड के लिए प्रोसेस करना है, बट सही तरीका। आपको जब भी कार्ड प्रोसेस करना है तो ऐसे लोकेशन पे रहें कि जहां पे बैंक का सर्विस रहे, और अपने आधार कार्ड में लैंडमार्क, अपने आधार कार्ड में पूरा डिटेल्स रहे, और पिन कोड ऐसा रहे जो बैंक के अंडर में रहे। आपको ऑनलाइन या तो फिर किसी अच्छे एजेंट जिनका ऑफिस हो आपको प्रोसेस करवा लेना है, और वो भी आपको अपना ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट देना है। कहने का मतलब है कि आपके अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट आता हो, 30,000 हो गया, 25,000 हो गया, 28,000 हो गया, तो इस तरीके का जो अमाउंट आप एक बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है उसके बिहाफ पे प्रोसेस करवाना है। यकीन मानो आपका जो कार्ड है 2023 बीतने से पहले पहले आपका अप्रूव हो जाएगा, समझे ना। अब हमारे देश में लोग गलती क्या करते हैं, सिविल थोड़ा सा जनरेट हो गया है वो कार्ड और लोन के लिए प्रोसेस कर देंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस कर दिया, लोन के लिए प्रोसेस कर दिया, डिक्लाइन हो गया। अब जितना वो स्कोर बनाए थे वो धीरे धीरे रैंकिंग गिरना चालू हो जाएगा। तो पहले अपने रैंकिंग को बचाइए, आपको कार्ड मिलेगा, विश्वास मानो मेरी बातों का, मिलेगा 100% मिलेगा, बट अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो। नहीं करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड कभी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर मिल भी गया तो लिमिट आपकी कम रहेगी, अगर बैंक ने हाई लिमिट अगर दे भी दिया
तो भविष्य में अदर बैंक कार्ड मिलेगा तो उसकी लिमिट आपको कम ही मिलती जाएगी, और उस लिमिट वो जो कार्ड है उसकी लिमिट बैंक कम भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ये बातें याद रखना। तो आप समझ चुके होंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना और ऐसी गलती मत करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।